हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है क्लाइंबिंग ऑन रूफ, मतलब कि किसी रस्सी पर चढ़ना। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें फ्रिक्शन की थोड़ी सी बात को जानना होगा। वैसे हम लोग ऑफिशियली फ्रिक्शन को फ्रिक्शन चैप्टर में बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, अभी सिर्फ फ्रिक्शन की हेल्प लेनी है जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए क्लाइंबिंग ऑन रूफ। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो दो रफ सरफेस के बीच में तब अप्लाई होता है या तब आता है जब दोनों सरफेस के बीच में या तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो और या तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका हो। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है, ये एक रफ सरफेस है, और आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा जीरो। क्यों? क्योंकि ना तो ये ब्लॉक इस सरफेस पर मूव कर रहा है और ना ही इस पर इसकी इस सरफेस पर मोशन की टेंडेंसी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक को रखा और इस ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया एफ का, इस फोर्स के एप्लीकेशन के बावजूद ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा जो कि इस एफ का अपोज कर रहा होगा और वो होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो यहाँ पर एक थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते तो ये मूव कर जाता, मतलब कि इस ब्लॉक की टेंडेंसी तो है इस डायरेक्शन में मूव करने की, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन नहीं है लेकिन मोशन की टेंडेंसी है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, फ्रिक्शन फोर्स जब मोशन की टेंडेंसी की वजह से आता है, मतलब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट होने वाला ही है, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, यहां पर मोशन की टेंडेंसी है लेकिन मोशन नहीं है। और अगर ब्लॉक पर आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स के इन्फ्लुएंस से बॉडी मूव करने लग गई, अगर बॉडी मूव करने लग गई तो यहां पर एक और फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बातें हम लोग बहुत बेहतर तरीके से करेंगे फ्रिक्शन के अर्थवाइज चैप्टर में, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग को क्लाइंबिंग ऑफ रोप पढ़ने के लिए हमें ये थोड़ा सा जानकारी चाहिए होगी। तो दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, एक स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तब अप्लाई होता है जब ब्लॉक मूव करने लगता है, तब सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। जबकि यहां पर ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा है लेकिन हाँ मोशन की टेंडेंसी है, क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसके बावजूद ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस फोर्स के इक्वल हो चुका होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन के। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो mg जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन का रोल प्ले करेगा, mg के इक्वल होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो fr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर आप एक कांस्टेंट लेके आते हैं जो कि इन दोनों सरफेस के बीच में रफनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है कि दोनों सरफेस के बीच में रफनेस कितनी है और दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, और ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नॉर्मल रिएक्शन mg ही हो, इस खास केस में mg है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक, और फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, एक्चुअल में ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू होती है रफनेस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब इसकी हेल्प से हम लोग किसी रस्सी पर चढ़ना सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि हम किसी रस्सी पर कैसे चढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आप अगर इसको आप एक रस्सी समझे या मान लें, और हम लोग क्या करते हैं कि रस्सी के किसी एक पोर्शन को ग्रिप करते हैं इस टाइप से। जब आप ग्रिप करते हैं
तो अपने हाथ से रस्सी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो रस्सी और हाथ के बीच में एक नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है बाहर की तरफ, ठीक है। और रस्सी और आपका हाथ डेफिनेटली रफ है, तो इस वजह से उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अप्लाई होता है या रहता है, ठीक है। जिस वजह से रस्सी और आपके हाथ में एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जब आप रस्सी के किसी एक पार्ट को ग्रिप करके पुल करते हैं तो रस्सी का वो वाला पार्ट अपने पोजीशन को नहीं छोड़ता, वो वहीं पे रहता है, आपकी बॉडी पुल हो जाती है ऊपर की तरफ इस तरीके से, ऐसे आपका हाथ वहीं पर है, आपकी बॉडी पुल हो गई, और जिस टाइम आपकी बॉडी पुल होती है अब दूसरे हाथ से दूसरी ग्रिप कर लेते हैं आप लोग, ठीक है, फिर ये ऊपर जाता है। तो आपका आप जिस पोर्शन को रस्सी के जिस पोर्शन को आप ग्रिप करते हैं वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होता, ठीक है। आप रस्सी के उस पोर्शन को पकड़ के नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, अब आप अपने हाथ से नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका हाथ रस्सी पर किधर स्लिप करने की टेंडेंसी में, स्लिप तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि स्लिप हो जाएगा तो आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है। पकड़ के नीचे फोर्स अप्लाई करते हैं मतलब आपका हाथ रस्सी पर नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी में होता है, तब फ्रिक्शन फोर्स किधर अप्लाई होगा, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जिधर टेंडेंसी होती है या जिधर मोशन होता है उसके जस्ट अपोजिट अप्लाई होता है, रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर आपका हाथ नीचे जाने की टेंडेंसी में तो आपकी हाथ पर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा जो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कौन सा वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो आपका हाथ उस पोर्शन पर स्लिप नहीं कर रहा है, अगर स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो कौन सा वाला फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कि हम लोग किसी रस्सी पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से चढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके हम लोग इसकी और एनालिसिस करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर। ये है आपका रोप, और रोप के इस पार्ट पर एक ऑब्जर्वर है जो ग्रिप बनाए हुआ है इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर, ठीक है। इस ऑब्जर्वर का मास है एम, और ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट पी पर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ का। आप ग्रिप बनाकर रस्सी पर नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जिससे आपकी बॉडी पुल हो जाए ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स किसने अप्लाई किया है, ये फोर्स अप्लाई किया है इस ऑब्जर्वर ने रस्सी के पॉइंट पी पर, ठीक है। क्या ये पॉइंट पी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, नहीं, आपकी बॉडी ऊपर जाती, पॉइंट पी नहीं डिस्प्लेस होता, ठीक है। इसका मतलब कि रस्सी और आपके पाम के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ये रहा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और यहां पर जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ के, क्योंकि अभी बॉडी मूव कर ही नहीं। फिर से एक बार देखते हैं, अगर बाहर से लगाया वो फोर्स और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये बॉडी मूव नहीं करे, इसका मतलब कि अंदर में जो फ्रिक्शन फोर्स आया है ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तभी तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिए होंगे और बॉडी मूव नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के केस में आप काम करें तो अप्लाई किया हुआ एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होता है। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि ये जो इसके पाम और रोप के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, रादर देन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, वो किसके इक्वल होगा, लगाए गए पुलिंग फोर्स के बराबर होगा, जो जिससे ये रस्सी को पुल कर रहा है, ठीक है। और एक वेट काम, और एक फोर्स काम करेगा जो इसका वेट होगा। अब मैं दोनों के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये है रस्सी, रस्सी के इस पॉइंट पी पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो पुलिंग फोर्स है, और नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है एफ का। ये फोर्स किसने अप्लाई किया है,
इस ऑब्जर्वर ने अप्लाई किया है इस रस्सी पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस ऑब्जर्वर के फ्री बॉडी डायग्राम की, तो ये रहा आपका ऑब्जर्वर और इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो इसके हाथ पर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है और जिसकी वैल्यू पुलिंग फोर्स के इक्वल है, ठीक है। और नीचे इसका वेट काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके तीन केस बनते हैं। फर्स्ट केस, अगर ये ऑब्जर्वर इस रस्सी के पॉइंट पी पर सिर्फ लटका हुआ है, मतलब रेस्ट पर है, केस वन, ये यहां पर अगर रेस्ट पर है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो गया होगा अगर ये रेस्ट पर है तो, मतलब कि एफ इज इक्वल टू एम जी। तो इसका मतलब ये है कि रस्सी के ऊपर वाले पार्ट में, जहां पर वो पॉइंट पी है, पॉइंट पी के ऊपर इस वाले पार्ट में जो टेंशन आएगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा एफ के इक्वल, और एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा आपका एम जी, ठीक है। और लोअर पार्ट में टेंशन कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट में टेंशन होगा एफ के इक्वल और इस वाले पार्ट में टेंशन होगा जीरो, ठीक है, ये स्लैक हो जाएगी, ये जो इसमें टेंशन होगा, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये ऑब्जर्वर इस रस्सी पर कॉन्स्टेंट स्पीड से क्लाइंब कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड से क्लाइंब करने का मतलब कि बहुत धीरे धीरे, बहुत ज्यादा धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट पी, और यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर की तरफ कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इसका मास एम, इसके हाथ पर रोप के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स F, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स F के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लाइंब करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के हेल्प से, काइनेटिक में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आप स्लिप कर जाओगे, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स F के इक्वल, इसका वेट mg, और ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स F माइनस mg इज इक्वल टू ma, और a जीरो, इसका मतलब कि इस बार भी रस्सी में जो टेंशन होगा वो mg की इक्वल होगा जो कि पहले था, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में अगर बॉडी रेस्ट पर है, या ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पर है, या कांस्टेंट स्पीड से क्लाइंब कर रहा है, तो इन दोनों केसेस में रस्सी में आने वाला टेंशन उसके वेट के ही इक्वल होता है, मतलब उस ऑब्जर्वर के या उस क्लाइंबर के वेट के इक्वल होगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करके ऊपर जा रहा है, क्लाइंब कर रहा है एक्सेलरेट करके, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसका मास एम है, मतलब वेट नीचे की तरफ काम करेगा, और इस बार रस्सी और हाथ के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैं एफ ना लेके एफ प्राइम ले रहा हूं, क्योंकि इस बार ये चेंज होगा, अभी वो एफ नहीं रह जाएगा, कुछ चेंज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किस फोर्स की हेल्प से ऊपर जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से, मतलब कि एफ प्राइम से। अगर मैं इसके मोशन की इक्वेशन लिखूं तो F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और इस बार A जीरो नहीं है, तो इस बार का जो F प्राइम होगा स्टूडेंट्स, या इस बार का जो रस्सी में टेंशन होगा वो एम जी प्लस एम ए हो जाएगा, सॉरी एम जी प्लस एम ए। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, इस वजह से इस बार रस्सी का जो टेंशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कोई बॉडी, या फिर अगर कोई क्लाइंबर, अगर कोई ऑब्जर्वर किसी भी रस्सी पर एक्सेलरेट करके ऊपर चढ़ता है, तो रस्सी में टेंशन बढ़ता है, और कितने अमाउंट से बढ़ेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, और ये पूरी एनालिसिस आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इस पूरे कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग। अगर एक क्लाइंबर है और ये रस्सी मैक्सिमम फोर्स झेल सकती है, मतलब वो जो टेंशन झेल सकती है, मैक्सिमम टेंशन वो है
120 न्यूटन, 120 न्यूटन का ये रस्सी मैक्सिमम टेंशन झेल सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जर्वर या यूँ कहें कि छोटा सा मंकी है, बंदर है, और ये इसका मास है कुछ 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, और ये इस रस्सी पर क्लाइम करते हुए, मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, मतलब ये जो मंकी है वो इस रस्सी पर मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से क्लाइंब कर सकता है। तो ये उतने ही एक्सेलरेशन से क्लाइंब करेगा जब तक इस रस्सी में टेंशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर ना आ जाए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ। एक तो आपको बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा जिससे कि बंदर ऊपर चढ़ सकता है, और दूसरा कि इस पर, इस रस्सी में मिनिमम टेंशन कितना होगा। दो क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पर मिनिमम टेंशन की बात कर लें। तो मिनिमम टेंशन कब होगा स्टूडेंट्स, जिस टाइम या तो ये बंदर यहाँ पर रेस्ट पर हो या फिर ऊपर की तरफ चढ़े तो, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चढ़े, क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रिक्शन सॉरी फोर्स होता है या यूं कहिए कि टेंशन फोर्स होता है वो बॉडी के वेट के बराबर ही होता है। तो मिनिमम टेंशन के लिए स्पीड को कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, और इस केस में अगर ये बंदर क्लाइम तो कर रहा है लेकिन तो कांस्टेंट स्पीड से क्लाइम कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो जो फोर्स होगा या टेंशन फोर्स होगा वो उसके वेट के ही बराबर होगा। और वेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेट हो जाएगा एम, मास है 8 किलोग्राम का, और जी हम लोग ले लेते हैं 10, तो हो जाएगा 80 न्यूटन, मतलब कि रस्सी में आने वाला मिनिमम टेंशन होगा 80 न्यूटन। ये किस केस में है, जब ये बंदर इस रस्सी पर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, जिस समय ऑब्जर्वर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है या क्लाइम करता है तो उस टाइम रस्सी में टेंशन मिनिमम होता है। अब आपको एक कंडीशन देकर एक्सेलरेशन पूछ रखा है कि इस रस्सी में मैक्सिमम टेंशन 120 न्यूटन का हो सकता है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा इस बंदर का। तो फिर से वही केस, लास्ट केस, एफ एम जी एम ए। अगर मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और इसकी इक्वेशन लिखूं तो एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और आप ये देख रहे हैं कि एम जी तो कांस्टेंट है, अगर मैं एक्सेलरेशन को बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को आपको तब तक ही बढ़ाना है जब तक कि ये फोर्स, मतलब ये टेंशन फोर्स 120 न्यूटन को एक्सीड ना करे, मतलब मैक्सिमम रहे तो 120 रहे, क्योंकि जैसे ही आप फोर्स एक्सेलरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ये जो फोर्स है, टेंशन फोर्स है, वो 120 न्यूटन को एक्सीड कर जाएगा और रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, तो ये बंदर इस रस्सी पर मैक्सिमम उतने ही एक्सेलरेशन से क्लाइम कर सकता है जब तक कि इसमें जो टेंशन हो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ना आ जाए, मतलब कि अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 120 न्यूटन इज इक्वल टू mg को उधर ट्रांसफर करेंगे तो मास है 8, g की वैल्यू 10, मतलब 80 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर इधर ही रहने दीजिए, तो माइनस 80 इज इक्वल टू मास 8 और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये कितना हो जाएगा, ca हो जाएगा आपका 40, और ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा a मैक्सिमम, और ये हो जाएगा 5 m/s². ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्लाइंबर है या यूँ कहे कि जो बंदर है उसको मैक्सिमम 5 m/s² के एक्सेलरेशन से क्लाइम करना चाहिए, तब तक वो सेफ है। अगर उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन कर देगा तो रस्सी में टेंशन बढ़ जाएगा, 120 को एक्सीड कर जाएगा और रस्सी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब एक ही रस्सी पर दो दो क्लाइंबर, उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले नोट कर लीजिए आप लोग,
ये रोप स्टूडेंट्स, और यहाँ पर पी और क्यू दो पॉइंट हैं, यहाँ पर दो ऑब्जर्वर हैं या दो क्लाइंबर आप कह सकते हैं। इसका मास है एम वन और इसका मास है एम टू। इस ऑब्जर्वर पी ने रस्सी के इस पॉइंट को F1 फोर्स से पुल किया है। अब यहां पे दो केसेस होंगे, पुल करने का मतलब ये नहीं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, पुल किया है। अगर इसका पुलिंग एक्शन ज्यादा होगा तो ये इसकी बॉडी ऊपर की तरफ एक्सलेट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, तो डिपेंड करता है केसेस पे। तो यहां पर इसने F1 फोर्स से पुल किया और इसने यहां पर स्क्यू ऑब्जर्वर ने इस रस्सी को पुल किया है F2 फोर्स से। अब यहां पर क्वेश्चन जो अराइज होता है ये है कि अपर पार्ट मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट में टेंशन कितना कितना होगा। तो अपर पार्ट में टेंशन होगा F1 प्लस F2 के इक्वल, इन दोनों के एडिशन पर डिपेंड करेगा। और लोअर मिडिल पार्ट में जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इस पी और क्यू के बीच में जो टेंशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ F2 के इक्वल होगा, और लोअर पार्ट में जो टेंशन होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब इस पर केस कुछ और बनाते हैं, कुछ और इसको डील करते हैं। अगर ये दोनों यहां पर रेस्ट पे हैं, पी और ये क्यू, अगर ये भी रेस्ट पर है यहां पे और ये भी रेस्ट पर है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ ब्लॉक। तो ब्लॉक का वेट कितना स्टूडेंट्स, ब्लॉक का वेट है mg या m1g। यहाँ पर इस ब्लॉक का वेट कितना हो जाएगा, या फिर इस ऑब्जर्वर का वेट m2g। रस्सी के इस वाले पार्ट में टेंशन कितना, तो टेंशन लगाने का तरीका हम लोग को मालूम है क्या हो जाएगा, क्या होता है स्टूडेंट्स, अलॉन्ग द स्ट्रिंग अवे टू द ब्लॉक। तो ये एक ब्लॉक या ऑब्जर्वर है अलॉन्ग द स्ट्रिंग, along the string away to the block t1 t1। और इस वाली रस्सी में जो टेंशन है वो डेफिनेटली चेंज होगा क्योंकि रस्सी चेंज हो गई है, और इसमें जो टेंशन है वो t2। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जर्वर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपको कुछ ये नजर आएगा, ये ऑब्जर्वर, इसके हाथों पर जो टेंशन लगा है टेंशन फोर्स वो T2 है, और इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है M1G, और इसमें जो टेंशन है वो भी इस पर काम कर रहा है नीचे की तरफ T1। ठीक है, यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वही हाथों पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना चुका और इसकी इक्वेशन लिखूं, तो यहाँ पर ये बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब कि अपवर्ड फोर्स ने लोअर फोर्स या डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लिया होगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू M1G प्लस T1। ठीक है, अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर इसके हाथों और रस्सी के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो T2 होगा, जो कि टेंशन बनेगा T1, और इसका वेट है M2G, और ये भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब कि T1 ने M2G को बैलेंस कर लिया होगा, T1 इक्वल टू M2G। अब T1 केवल यहाँ पर आप इनकॉर्पोरेट करिए तो आपको T2 कितना मिलेगा, M1G प्लस M2G। ये तो आप लोग पहले समझते थे, यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो F1 प्लस F2 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर रस्सी के इस पार्ट में जो टेंशन आया है वो M1G मतलब T1 और T2 के एडिशन के, T2 प्लस T1 के एडिशन के इक्वल है। ठीक है, और इस लोअर पार्ट में जो टेंशन आया है या मिडिल पार्ट में जो टेंशन आया है वो M2G के इक्वल है, मतलब T1 के इक्वल है, और लोअर पार्ट में जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कोई भी और चीज़ नहीं बन रही है, इसका मतलब यहाँ पर टेंशन जीरो होगा। ये तो हो गए कि जब दो ऑब्जर्वर हैं किसी भी एक रोप पर और दोनों रेस्ट पर हैं, लेकिन तब क्या हो जब ये दोनों मूव करने लग जाए और एक्सेलरेट करके मूव करने लग जाए। चलिए उसके इसको भी देख लेते हैं,
ये पॉइंट पी पर है और ये एक ऑब्जर्वर है जो पॉइंट क्यू पर है, इसका मास है एम वन और इसका मास है एम टू। ये ऑब्जर्वर इस रस्सी पर एफ वन फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से अपनी बॉडी को पुल कर पा रहा है ए वन एक्सेलरेशन से। वहीं पर ये जो ऑब्जर्वर है वो रस्सी को एफ टू फोर्स से पुल कर रहा है जिसकी वजह से अपनी बॉडी को रेज कर पा रहा है ए टू एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके हाथों पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो कि F1 होगा, ठीक है, जो कि बाद में टेंशन का काम करेगा, तो F1, इसका वेट M1, G, और इन दोनों फोर्स के बावजूद ये एक्सेलरेट भी कर रहा है A1 एक्सेलरेशन से। तो अगर मैं इसके मोशन की इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, F1 माइनस M1 G इज इक्वल टू एम ए वन। तो F1 इज इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एम वन जी प्लस एम वन ए वन। तो इस बार रस्सी में जो टेंशन है आप यहाँ पर वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इतने अमाउंट से। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसने रस्सी को पुल किया है F2 फोर्स से जिसकी वजह से इसके हाथों और रस्सी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा वो भी F2 ही होगा, इसका वेट है M2G और इन दोनों के बावजूद ये एक्सेलरेट भी कर रहा है A2 एक्सेलरेशन से। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा F2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 A2। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा एम टू जी प्लस एम टू ए टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा तो रस्सी के अपर पार्ट में जो फोर्स या टेंशन फोर्स होता है वो एफ वन प्लस एफ टू होगा और एफ वन प्लस एफ टू की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको अपर पार्ट में टेंशन मिल जाएगा। मिडिल पार्ट में टेंशन कितना होता है, मिडिल पार्ट में टेंशन होता है F2 के इक्वल, वो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिए, और लोअर पार्ट में टेंशन इस बार कितना हो जाएगा, इस बार लोअर पार्ट में टेंशन वैसे हमेशा की तरह जीरो होगा। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे जिसमें हम लोग किसी भी मंकी को या फिर किसी भी क्लाइंबर को किसी रूप पर चढ़ाते हैं। ठीक है, अब इस पर और कुछ एनालिसिस कर लेते हैं या आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है या फिर यू कहे कि एक क्वेश्चन का टाइप है, इस पुली के पर एक थ्रेड है और इस थ्रेड के या फिर यू कहे कि रस्सी है, रोप है, और एक रोप का एंड एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास M1 है और दूसरे एंड पर एक मंकी है जो कि ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से क्लाइंब कर रहा है, इस मंकी का मास है M2। ठीक है, यहां पर ये पूछा जा रहा है कि इस मंकी का मास M2 है, ये आपको गिवन है, ये मंकी ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये भी आपको नोन क्वांटिटी के तौर पर दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन आता है फ्रेंड्स दिमाग में, क्योंकि आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे होंगे कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और या फिर हिंज कर रखा है यहाँ पर दो ब्लॉक्स को, अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो उतने ही एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, यहाँ पर तो दोनों ऊपर जा रहे हैं। देखिए सर, यहाँ पर ब्लॉक्स की बात नहीं है, यहाँ पर ये अपने वेट से नीचे तो जा रहा है लेकिन ये अपने पुलिंग एक्शन की वजह से ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब जब ये रस्सी को पुल कर करके ऊपर जाएगा तो रस्सी नीचे जाएगी, और रस्सी नीचे जाएगी यहां पर
रस्सी को ये ऊपर नीचे छोड़ता चला जाएगा, तो ये रस्सी का ये वाला पार्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, आप इसको फील करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये यहाँ पर क्लाइंबर है, ये कोई ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो जब ये ऑब्जर्वर या ये मंकी जब ये ऊपर जाएगा पुल करके, तो अपने एक्शन की वजह से, पुलिंग एक्शन की वजह से ऊपर जा रहा है ये एक्सलरेशन से, और रस्सी यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करेगी, और रस्सी जैसे जैसे नीचे जाएगी तो रस्सी का ये वाला पार्ट कम होता चला जाएगा और ये ब्लॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लाइंबर भी ऊपर जा रहा होगा और ये ब्लॉक भी किसी दूसरे एक्सलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, और यहाँ पर ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोनों का एक्सलरेशन सेम होगा। ठीक है, हो सकता है एक्सलरेशन सेम आए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दोनों के एक्सलरेशन अलग अलग है। यहाँ पर आप इस कंसेप्ट से इसको मिसमैच मत करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो अगर मैं इस क्लाइंबर या फिर इस मंकी की बात कर लूँ, तो मान लेते हैं कि इसके हाथ और रोप के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स F है, जिससे कि ये मंकी इस रोप को पुल कर रहा होगा नीचे की तरफ। और अगर मैं इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, F माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, एम टू ए। वहीं पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो अगर इस ऑब्जर्वर ने या फिर इस मंकी ने रस्सी को पुल किया है एफ फोर्स से, तो रस्सी में जो टेंशन आएगा वो एफ के बराबर आएगा, जो कि इस पूरी रोप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब तक इसको ब्लॉक ना मिल जाए। और जैसे ही ब्लॉक मिला तो टेंशन लगाने का वही पुराना तरीका, अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स F काम कर जाएगा जो कि ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करेगा, और इसका वेट कितना है फ्रेंड्स, M1G। यहाँ पर इसका वेट शो नहीं किया था हमने, इसका वेट था M2G। ठीक है, ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि टेंशन फोर्स F ज़्यादा होगा M1G से। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, अभी तक हम लोग टेंशन को T से लिखते थे, अभी F से लिख रहे हैं, किसी से भी लिख सकते हैं आप। F माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। और हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। अगर ये मंकी कैपिटल ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, तो ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M2 कैपिटल ए माइनस M1 स्मॉल ए। M1 स्मॉल ए इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा फ्रेंड्स, M2A। इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर लें, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा M2G और माइनस M1G। यहाँ पर जी कॉमन कर सकते हैं आप लोग, और M1 से इधर डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा M2A प्लस M2 माइनस M1 जी डिवाइडेड बाई एम। ये इतने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इतने एक्सेलरेशन से। अब अगर दोनों के मासेस सेम कर दिए जाए, जो कि एक क्वेश्चन है HC वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, कि वहाँ पर ये शो करके दिखाना था कि अगर इस मंकी और इस मास का सॉरी इस ब्लॉक का मास सेम कर दिया जाता है, तो जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ मूव भी करेगा। तो अगर दोनों के मासेस सेम हो जाए, अगर दोनों के मासेस सेम हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू M2, दोनों को M मान लो। ठीक है, फिर से वही इक्वेशंस, M यहाँ पर MG, यहाँ पर भी MG, फोर्स F और यहाँ पर F। अगर इसका एक्सेलरेशन मैं मान ले रहा हूँ कैपिटल A, तो इसका एक्सेलरेशन इस केस में फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर से वही एनालिसिस करनी है, बस मासेस को सेम रखना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ,
आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर हर एक मास की प्लेस पर एम एम रखते चले जाइए तो आपको मिलेगा आंसर। लेकिन एक बार फिर से इसके एनालिसिस करते हैं। एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम कैपिटल ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए भी ऊपर जा रहा है, एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम स्मॉल ए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एम कैपिटल ए माइनस एम स्मॉल ए इज इक्वल टू जीरो। और एम स्मॉल ए इधर ट्रांसफर कर लें तो यहाँ पर उधर आएगा एम कैपिटल ए, और एम कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू कैपिटल ए। मतलब कि अगर दोनों के मासेस सेम होंगे तो ये मंकी जिस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ेगा उतने ही एक्सेलरेशन से आपका ब्लॉक भी मूव करेगा। लेकिन ये हमेशा नहीं ट्रू है, जब इस केस में आएगा मासेस डिफरेंट हो जाएंगे तो दोनों के एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A man is climbing a rope with the acceleration such that tension in string is F. If the same man is going up with the constant velocity, then the tension is F1. What is the magnitude of acceleration? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट दो केसेस ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, कि अभी आपने सबसे पहले ये देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट या फिर वो ऑब्जर्वर कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है या फिर ओके कि मूव करता है तो जो उसका टेंशन होगा उसके वेट के ही बराबर होता है, लेकिन जब वो एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जाता था तो उसका टेंशन बढ़ता चला जाता था, मतलब रस्सी में जो टेंशन है वो एम ए फैक्टर से बढ़ जाता था। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, चलिए देखते हैं। दिस टाइम ये ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, उस टाइम रस्सी में टेंशन कितना है F के बराबर का, रस्सी में जो टेंशन है वही होगा फ्रिक्शन फोर्स और वही होगा पुलिंग फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, इसका वेट, इसका वेट हो जाएगा mg, मान लेते हैं इसका मास है m। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें, क्वेश्चन के फर्स्ट सेगमेंट की बात करें, तो F फोर्स अप्लाई कर रहा है या वेट mg है और a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगर मैं इस केस में मोशन की इक्वेशन बनाऊं तो आपको मिलेगी F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ये अननोन है ए, ठीक है। अब यही ऑब्जर्वर अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए, कांस्टेंट स्पीड से का मतलब कि F प्राइम, यहां पर जब वो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टेंशन कितना आ रहा है F1, F1, अभी F1 फोर्स के भी चेंज हो जाएगा वो F1, इसका वेट तो वही होगा क्योंकि मैन वही है, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन जीरो, जा तो रहा है क्लाइम तो कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस केस में F1 माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी, ठीक है। तो जहां पर आप यहां पे एम जी लिख रहे हैं वहां पर आप F1 लिख सकते हैं, यहां पे रख दीजिए। तो आपको ये वैल्यू यहां पर इनकॉर्पोरेट कर देनी चाहिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा F माइनस F1 इज इक्वल टू एम ए, और हमारे पास ये मास अननोन है, मास तो गिवन ही नहीं है, हमें यहाँ पर m की भी वैल्यू f के टर्म में ले लेनी चाहिए। यहाँ पर m की वैल्यू f के टर्म में कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू f1 बाई जी, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो f माइनस f1 इज इक्वल टू f1 बाई जी इंटू a, यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी f1 माइनस f, सॉरी f माइनस f1 इंटू जी बाई एफ वन। मतलब कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पर है कि अगर क्लाइंबिंग करते वक्त ऑब्जर्वर कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो
तो रस्सी में जो टेंशन आता है वो उसके वेट के ही बराबर आता है, लेकिन एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जाता है तो रस्सी में टेंशन बढ़ता है, और किस फैक्टर से बढ़ता है, एम इंटू ए से। ठीक है, एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन है जिसमें दो बंदर है और एक बंदर जो है वो क्लाइंब कर रहा है, दूसरा बंदर उस बंदर की टेल पकड़ के सिर्फ रेस्ट पर है, तो यहाँ पर आपसे ये पूछते हैं कि उस बंदर को कितने एक्सेलरेशन से या कितने फोर्स से ऊपर जाना चाहिए कि उस बंदर की पूंछ मतलब टेल ना टूटे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर एक रस्सी है जिसमें दो बंदर हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बेसिकली ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक बंदर है जो कि रस्सी पर क्लाइंब कर रहा है, रस्सी को पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जिसका मास है 5 किलोग्राम, और इसकी टेल को पकड़कर, इसकी पूंछ को पकड़कर एक दूसरा बंदर है जो कि रेस्ट पर सिर्फ बैठा हुआ है, ये क्लाइंब नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी पूंछ को सिर्फ पकड़े हुए है। ठीक है, यहां पर ये पूछा जा रहा है कि ये सॉरी यहां पर पूरा डेटा मैं दे दूं, इसका मास है 2 किलोग्राम, बड़े वाले जो मंकी है उसका मास है 5 किलोग्राम, और ये जिसकी जो टेल है वो मैक्सिमम टेंशन जो है वो झेल सकती है 30 न्यूटन का। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो मंकी है बड़ा वाला मंकी जो इसको छोटे वाले मंकी को पुल कर रहा है अपनी टेल के सपोर्ट से, इसको कितने मैक्सिमम फोर्स से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स से ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि रस्सी में टेंशन बढ़ जाए, जिसकी वजह से रस्सी सॉरी जो टेल है वो उसमें टेंशन बढ़ जाए और टेल जो है ब्रेक कर जाए। ठीक है, इसको अपनी पूंछ ही बचाना हुआ है, और इस केस में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक मिनिमम कितने फोर्स से ऊपर जाएगा और मैक्सिमम कितने फोर्स से ऊपर जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ पर आप देख पाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मंकी है ये क्लाइंब कर रहा है, लेकिन ये जो दूसरा वाला मंकी है वो सिर्फ पकड़ के बैठा हुआ, पकड़ के लटका हुआ ऐसा कह सकते हैं आप। तो आप इसको ऐसे डील कर लें, ये जो क्लाइंब कर रहा है और ये जो दूसरा वाला मंकी है, मंकी की प्लेस पर एक बॉक्स को आप सोच सकते हैं 2 किलोग्राम का। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं फील करना है कि ये भी मंकी चल रहा है, ये नहीं मूव कर रहा है, आप ये मंकी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस टेल में मिनिमम कितना टेंशन आएगा, मिनिमम टेंशन। ठीक है, तो मिनिमम टेंशन कितना आएगा ये आपको पता करना है। मिनिमम टेंशन मतलब कि मिनिमम फोर्स से ये पुल कर रहा होगा। ठीक है, जिस टाइम ये मिनिमम फोर्स से पुल कर रहा होगा उस टाइम इसमें टेंशन जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम टेंशन कब होगा स्टूडेंट्स, जब ये एक्सेलरेट ना कर रहा हो, ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट ना कर रहा हो, क्योंकि जब ये एक्सेलरेट करता है हम लोगों ने देखा है तो रस्सियों में टेंशन बढ़ता है। तो अगर मैं इसको एक्सेलरेट ना कराऊं, फर्स्ट केस में मिनिमम टेंशन को फाइंड करने के लिए हम इसको एक्सेलरेट ना कराएं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, मतलब ये जो बंदर है वो कांस्टेंट स्पीड से इसको पुल करेगा और उसकी पूंछ में टेंशन मिनिमम होगा। तो इस केस में अगर मिनिमम टेंशन के केस में काम करें तो इस पर वेट कितना हो जाएगा 2g, इसमें टेंशन मिनिमम t, और ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है मतलब ये एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो इसका फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन लिखें तो t-2g इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो टी जीरो कितना हो जाएगा 2g, तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा 20 न्यूटन। ये मिनिमम टेंशन है, मतलब उस बंदर की पूंछ में इसके लटके होने की वजह से जो मिनिमम टेंशन बनेगा वो 20 न्यूटन होगा, उससे कम नहीं हो सकता टेंशन इसमें। ठीक है, अब ये इस केस में जिस टाइम
पूंछ में टेंशन मिनिमम है 20 न्यूटन का, उस टाइम इस बड़े वाले मंकी को कितने फोर्स से रस्सी को पुल करना चाहिए ताकि पूंछ में टेंशन मिनिमम बना रहे। तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जरा गौर करिएगा फ्रेंड्स, तो यहां पर आप इसको ऐसे डील कर सकते हैं कि यहां पर ये इसका मास है 3 किलोग्राम, इसका वेट नीचे की तरफ आएगा 3g का, और यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा। और अगर मैं इस बड़े वाले मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ जो कि यहाँ पर है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, और इस केस में एफ मिनिमम माइनस 3g नीचे की तरफ का फोर्स और ये टेंशन माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ मिनिमम 3g मतलब कि 30 माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, टी की वैल्यू है मिनिमम, टी की वैल्यू है 20 इक्वल टू जीरो, मतलब कि एफ मिनिमम इज इक्वल टू 50 न्यूटन। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जिस टाइम ये मंकी, बड़ा वाला मंकी, वो इस 50 न्यूटन के फोर्स से रस्सी को पुल करेगा, उस टाइम वो ये श्योर करेगा कि उसकी टेल में मिनिमम टेंशन है जो कि कितना है 20 न्यूटन का है। ठीक है, तो ये 20 न्यूटन या फिर 50 न्यूटन से पुल करेगा तो 20 न्यूटन का मिनिमम यहाँ पर टेंशन काम करेगा। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम टेंशन कितना झेल सकता है 30 न्यूटन का, ये मैक्सिमम कितने फोर्स से रस्सी को पुल कर सकता है। ठीक है, यहां पर दूसरे केस में काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस केस में पूरा सिस्टम अब एक्सेलरेट करने लग गया है, और अगर ये एक्सेलरेट करने लग गया है पूरा सिस्टम, तो जो एक्सेलरेशन इसमें है वही एक्सेलरेशन इसमें भी होगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन इतना भी ज़्यादा ना हो जाए कि टेंशन 30 न्यूटन को एक्सीड कर जाए। तो मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है इसमें, मैक्सिमम टेंशन हो सकता है 30 न्यूटन का। ठीक है, अब इस ब्लॉक या फिर इस छोटे वाले मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, तो 30 न्यूटन माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ये वो एक्सेलरेशन है जो जिस एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम इस बार ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ पर टेंशन की लिमिट 30 न्यूटन रख दी गई है। ठीक है, तो 30 जी की वैल्यू 10 रखे तो माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, और a इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्व करने पे 5 m/s² मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम को 5 m/s² के एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्वायर नहीं करना चाहिए, नहीं तो रस्सी में टेंशन 30 को एक्सीड कर जाएगा और रस्सी या फिर यूँ कहिए कि ये जो टेल है बंदर की, ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इस बंदर को श्योर करना पड़ेगा कि उसकी वो जो उसकी जो टेल है उसमें टेंशन 30 न्यूटन को एक्सीड ना करे, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन 5 m/s² को एक्सीड ना करें। ठीक है, अब पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ए एक्सेलरेशन से, ए मतलब कितना 5 m/s² के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस टाइम जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, इससे ज्यादा फोर्स इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये मैक्सिमम फोर्स, और मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका वेट काम करेगा 3g, इसका वेट काम करेगा 2g, और दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो यहाँ पर हम सिस्टम बाउंड्री इसको कंसिडर कर सकते हैं। सिस्टम बाउंड्री कंसिडर करेंगे तो एफ मैक्स, ठीक है, माइनस 3g माइनस 2g मतलब माइनस 5g इज इक्वल टू एम ए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एम वन यहाँ पर 3g माइनस 2g इज इक्वल टू एम ए। तो टोटल मास कितना है स्टूडेंट्स, टोटल मास है 3 + 2
इंटू ए, ए की वैल्यू है 5, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना एग्जर्ट करना चाहिए बड़े वाले मंकी को, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो 3g प्लस 2g मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 30 प्लस 20 मतलब 50 प्लस 5 जा 25 मतलब कितना 75 न्यूटन। मतलब इस बड़े वाले मंकी को मिनिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए, तो मिनिमम फोर्स अभी आपने यहाँ पे काउंट किया था कितना आया था स्टूडेंट्स 20 न्यूटन का, सॉरी 30 न्यूटन का, और मैक्सिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए 75 न्यूटन का, जिससे कि उसकी पूंछ टूटने से बच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू क्लास।